हेलो फ्रेंड्स, C++ प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम C++ में फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो उन्हें नहीं देखा है तो उस पर देखिए, मैंने ये वाली एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप इन सभी वीडियोज़ को जरूर देखना, ताकि आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आगे आने वाले वीडियोज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द क्लास टू विच इट इज़ फ्रेंड। तो इसका मतलब है कि आप फ्रेंड फंक्शन बनाकर क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रेंड फंक्शन से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, या आपसे MCQ टाइप के जो C++ के क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है, क्या C++ के अंदर फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर होते हैं। तो देखिए, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर तो होता है। जब मैं अभी आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रेंड फंक्शन मैं आपको क्लास के अंदर ही बना के दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि वो सिर्फ मैं डिक्लेयर करूँगा। तो फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर तो होता है लेकिन डिफाइन नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। तो केवल आप ये मत समझ लेना कि डिक्लेयर हो रहा है क्लास के अंदर इसलिए वो क्लास का मेंबर है। तो कई बार कन्फ्यूज़न में हम क्लास का मेंबर मान लेते हैं फ्रेंड फंक्शन को, जबकि फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपसे कई बार, और कई बार आपसे MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द क्लास विथ फ्रेंड कीवर्ड। तो इसको डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू, जिसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इट मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास टू विच इट इज़ फ्रेंड। तो क्लास के बाहर इसे हमें डिफाइन भी करना होता है कि हमें फ्रेंड फंक्शन से करना क्या है, तो वो भी हम सीखेंगे। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाता। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न यही है कि ये क्लास का मेंबर ही नहीं होता, और जो क्लास का मेंबर नहीं होता तो उसे ऑब्जेक्ट से हम कैसे एक्सेस करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करते थे, वैसे फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन नॉट एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास डायरेक्टली। कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस तो कर सकता है, बट डायरेक्टली नहीं कर सकता। और वो कैसे करेगा एक्सेस, वो मैं अभी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल के जरिए। अब देखिए, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन को बनाने का सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको फ्रेंड कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना है जैसा आप नॉर्मल फंक्शन का बताते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड फंक्शन का जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है इसमें कि एक फिक्स टाइप का नाम होगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं फ्रेंड फंक्शन का। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको उस क्लास का नाम देना है जिसके अंदर आपने फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब चलिए इन सभी बातों को हम प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने देव C++ ओपन कर लिया है, और फ्रेंड फंक्शन को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी बना लिया ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक डेमो क्लास बनाई है, ठीक है। डेमो क्लास, क्लास का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्लास का नाम डेमो रख लिया। उसके बाद देखो, डेमो क्लास में मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करा है, और यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए प्राइवेट टाइप के। तो ये मेंबर वेरिएबल है किस टाइप के, प्राइवेट टाइप के। और आपको देखिए समझना यही है कि फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने C++ का एक्सेस स्पेसिफायर वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि कब प्राइवेट लगाते हैं कब पब्लिक लगाते हैं। अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट टाइप के 3 वेरिएबल बना लिए, यानी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ है। फ्रेंड फंक्शन बनाने का सिंटेक्स माइंड में लाइए, मैंने आपको भी दिखाया था। सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको रिटर्न टाइप बताना, तो रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर ले लिया। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम दोस्त फंक्शन रखा हुआ है, ताकि समझाने में थोड़ा सा अच्छा रहे और आपको भी जल्दी समझ में आ जाए। फंक्शन का नाम आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन नाम क्यों नहीं रखा, दोस्त क्यों रखा, क्योंकि देखिए फ्रेंड एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को मैं यहाँ पर दोबारा यूज़ नहीं करना चाह रहा था ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो आपके माइंड में, इसलिए मैंने दोस्त फंक्शन इसका नाम रख लिया। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ब्रैकेट के अंदर उस क्लास का नाम आएगा जिसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को क्रिएट किया है। तो हमने डेमो क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन बनाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर डेमो क्लास का नाम दिया हुआ है। ओके, तो देखिए फ्रेंड फंक्शन के ऊपर एक बात मैंने आपको बताई थी कि डिक्लेयर तो एक क्लास की बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो क्लास की बॉडी देखिए यहाँ पर क्लोज हो रही है, तो फ्रेंड फंक्शन कहाँ डिक्लेयर है, क्लास की बॉडी के अंदर, लेकिन इसे डिफाइन क्लास की बॉडी के अंदर नहीं किया जाता।
और एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ कि फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब इसको बनाया क्यों है, आपको इस बात को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि फ्रेंड फंक्शन क्यों बनाया। फ्रेंड फंक्शन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेन प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा था, जो क्लास के प्राइवेट मेंबर है ना, उन्हें मुझे एक्सेस करना है, तो उनको एक्सेस करने के लिए मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया। आप क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसका एक तरीका है, वो है फ्रेंड फंक्शन बनाकर आप कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं इस प्रोग्राम में। तो फ्रेंड फंक्शन हमने यहाँ पर बना दिया। अब हम आ गए नीचे और यहाँ पर देखें हमने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए डिफाइन कैसे करते हैं फ्रेंड फंक्शन को, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा टाइप बताया फ्रेंड फंक्शन का, जो कि यहाँ पर इंटीजर था। उसके बाद हमने फ्रेंड फंक्शन का जो भी नाम रखा था वही लिखना है हमें। इसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा और इसके अंदर हमने क्लास का नाम लिया। क्लास का नाम क्या है हमारा, डेमो। कुल मिलाकर हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर एक्स, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस तो कर सकता है बट डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो कैसे करेगा। हमने जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना जिसमें उसे फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, वो उसके थ्रू करेगा। अब देखो हम पहले मेन फंक्शन में चलते हैं। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस नहीं किया जाता। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर नहीं कर रखा, मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया बट ऑब्जेक्ट डॉट कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है। दोस्त फंक्शन जो हमारे फ्रेंड फंक्शन का नाम है ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। देखो ऑब्जेक्ट डॉट दोस्त फंक्शन ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। अगर वो नॉर्मल फंक्शन होता तो मैं लिखता, लेकिन वो एक फ्रेंड फंक्शन है और वो क्लास का मेंबर भी नहीं है। जो क्लास का मेंबर नहीं है तो उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस भी नहीं किया जा सकता। अब देखो फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस कैसे किया जाता है, फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस किया जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब फंक्शन का नाम लिखो आप, जिस भी नाम से आपने फ्रेंड फंक्शन बनाया है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया ना, वो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर पास कर दो, बस ये कॉल हो जाएगा। अब इसे सी आउट के सामने क्यों कॉल किया गया, इसके पीछे रीज़न है कि मुझे यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करना था। और करना क्या है मुझे, मुझे ये दिखाना है आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कि यहाँ पर मैं इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करूँगा फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से, इनके अंदर वैल्यू पास करूँगा और उन वैल्यू का एडिशन मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊँगा। इससे प्रूफ हो गया कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं इस फ्रेंड फंक्शन को हटा दूं तो आप क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट इन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसे मैंने आपको अपने एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जहाँ हमने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और मैंने आपको ये तो बता दिया था यहाँ तक कि आपको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है इसके अंदर जब आप डिफाइन कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, उसके बाद एक बात मैंने आपको बताई थी कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस तो कर सकता है बट डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेस करेगा। और कैसे करेगा कि यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना क्लास का, यहाँ पर देखो एक्स, इस एक्स के थ्रू हमने लिखा एक्स डॉट ए, तो जो ए है ना ये एक्सेस कर लिया जाएगा। अब फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर पा रहा है देखो इसको, लेकिन इस तरह से कर पाएगा ये, तो एक्स डॉट ए लिखा और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, एक के अंदर टू। ऐसे हमने एक्स डॉट बी लिखा और बी के अंदर क्या पास कर दिया, थ्री। तो कुल मिलाकर इस फ्रेंड फंक्शन ने ए और बी को एक्सेस कर लिया और ए और बी के अंदर टू एंड थ्री चला गया है। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाया है सी, जो कि एक खाली वेरिएबल है, और हमने ऐसे लिखा एक्स डॉट सी। अब सी को भी एक्सेस करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा इक्वल टू एक्स डॉट ए। अब क्या हो रहा है, अब ए से वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है टू और बी की वैल्यू क्या है थ्री, तो टू प्लस थ्री यानी फाइव हो जाएगा, और फाइव किस में आ जाएगा सी में, और सी को रिटर्न कर दिया जाएगा। देखो एक्स डॉट सी रिटर्न, उसे रिटर्न कर दिया जाता है जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी जहाँ भी फंक्शन चलाया जा रहा है। एक्चुअल में फ्रेंड फंक्शन को कॉल तो नहीं किया जा रहा बट जहाँ भी फंक्शन चल रहा है वहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये फंक्शन देखो कहाँ चल रहा है, एक्स डॉट सी। तो देखो हमने फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर कॉल किया और फ्रेंड फंक्शन का नाम रखा था हमने दोस्त फंक्शन, तो देखो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है। और इसे कॉल करते समय ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर नहीं करना है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो बस आपको क्या करना है, जब आपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल करा तो उसके ब्रैकेट में आपको क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, तो ऑटोमेटिक जिस क्लास का आपने इसमें ऑब्जेक्ट पास करा है उस क्लास में अगर कोई फ्रेंड फंक्शन है तो उसे चला दिया जाएगा। तो फ्रेंड फंक्शन देखो इस क्लास में है ना, ये रहा,
इसे हमने डिक्लेयर तो यहाँ कराया, बाकी डिफाइन यहाँ कराया, तो जैसे ही डिक्लेयर कराए तो उसके बाद ये डिफाइन यानी जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है तो इसमें आ जाएगा, और ये डेफिनेशन में आपने जो भी लिखा होगा वो चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा था, रिटर्न कर दी जाए सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कहाँ रिटर्न कर दी जाएगी, यहाँ पर ये जहाँ चला है, तो इसे हमने सी आउट के सामने चलाया, इसलिए सी के अंदर जो भी है वो प्रिंट भी हो जाएगा। अगर सी आउट के सामने नहीं चलाते तो आउटपुट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि रिटर्न इसे ही किया गया है जहाँ ये चला है, तो ये इस जगह पर चला है, ठीक है, यानी कॉल किया है हमने, ऐसे समझ लेना आप। चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ऑब्वियसली आउटपुट तो 5 ही आना है, तो एग्जीक्यूट में जाता हूँ मैं, कंपाइलर रन करता हूँ, तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आउटपुट कितना आया है, 5 आया है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं और क्या कर सकता है ये, प्राइवेट मेम्बर को एक्सेस कर सकता है, जबकि अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ नहीं करते तो फिर हमें पब्लिक में एक नॉर्मल फंक्शन बनाना पड़ता और उसके थ्रू हम एक्सेस करना पड़ता प्राइवेट वेरिएबल को। डायरेक्ट तो हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर को, तो एक तरीका यह है कि फ्रेंड फंक्शन बनाकर आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करके दिखाया था फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से। अब मैंने आपके लिए एक एग्जांपल और बनाया, एग्जांपल नंबर 2, और इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करके किसके हेल्प से, फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्राइवेट में मैंने ए और बी दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है, डेमो क्लास है, क्लास वही है डेमो, और यहाँ पर प्राइवेट में दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के ए और बी, और देखिए एक फंक्शन बनाया है टेस्ट नाम का, और ये जो टेस्ट नाम का फंक्शन है ना, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन नहीं है। आप देखो यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड नहीं है ना, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, और ये फंक्शन मैंने प्राइवेट के अंदर ही डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है, तो यानी जो टेस्ट फंक्शन है वो एक प्राइवेट टाइप का फंक्शन है। अब देखिए मैंने आपको समझाया था जब मैंने एक्सेस स्पेसिफायर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट फंक्शन को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बनाकर। जैसे आप डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और ऑब्जेक्ट बनाकर जैसे मान लो आपने ओबीजे 1 बना लिया, तो ओबीजे 1 डॉट टेस्ट लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि टेस्ट पब्लिक टाइप का फंक्शन नहीं है, वो एक प्राइवेट फंक्शन है। अगर वो पब्लिक होता तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता क्लास की बॉडी के बाहर, क्योंकि प्राइवेट को क्लास की बॉडी के बाहर आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या तरीका है, मान लो आपने वेरिएबल और फंक्शन दोनों को प्राइवेट टाइप का बना दिया, तो फिर तरीका वही है कि आप फ्रेंड फंक्शन बनाकर आप एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट फंक्शन को। वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अब फंक्शन को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर फंक्शन में तो बहुत ही सिंपल सा काम किया हुआ है कि जब ये टेस्ट एक्सेस हो जाएगा तो एंटर 2 नंबर ऐसे लिखा हुआ आएगा, आप दो नंबर एंटर करेंगे, एक ए में चला जाएगा एक बी में चला जाएगा, और ए और बी में जो भी वैल्यू गई हैं वो ऐड होकर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, यानी टोटल आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अब देखो आपको समझना क्या, आपको समझना ये है कि जो हमने टेस्ट ये फंक्शन बनाया ना, इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्लास की बॉडी के बाहर। देखो क्लास की बॉडी ये रही, अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ, मान लो ये मैंने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया, इसे मैं कमेंट बना दूँ, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, और मैं इसे भी कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, इसे भी मैंने कमेंट बना दिया, जो फ्रेंड फंक्शन का मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया था, ये तो डिक्लेरेशन था, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैंने दोनों को यहाँ पर कमेंट बना दिया। अब यहाँ पर हमने देखो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर देखो इसे भी कमेंट बना लेता हूँ फिलहाल। अब देखो समझ लो कि फ्रेंड फंक्शन जैसी कोई चीज़ इस प्रोग्राम में नहीं बनाई गई है, यानी इसके अंदर डेमो क्लास के अंदर टेस्ट एक प्राइवेट फंक्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्राइवेट फंक्शन एक्सेस नहीं होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर ओ बी जे डॉट और फंक्शन का नाम, वैसे तो डॉट लगाते शो हो जाता बट इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट है, फंक्शन का नाम है टेस्ट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्ट, ठीक है, और सेमी कोलन लगाते हैं। देखना आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन को यानी प्राइवेट वेरिएबल हो या फंक्शन हो क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो कर रहा हूँ ना, सेव करा मैंने, एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल एंड रन, देखो एरर आ गई, एरर पढ़ो आप, एक्चुअल में काम करते हैं ये, इसको तो हटा देते हैं पहले, पूरा ही कमेंट बनाना पड़ेगा हमें। अब देखो दोबारा से मैंने सेव किया, वो तो इसकी ब्रैकेट की एरर आ रही थी, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन रह गया था इसका, इसे कमेंट बनाना भूल गए थे हम, तो सेव करके मैंने यहाँ पर दोबारा से कंपाइल एंड रन किया। अब देखो यहाँ एरर आई है, और एरर पढ़ो, देखो यहाँ पर देखो नीचे, डेमो क्लास का जो टेस्ट फंक्शन है वो प्राइवेट है और प्राइवेट फंक्शन को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, एरर आ गई ना, यानी फंक्शन में एरर आ गई, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट फंक्शन है और इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अब अगर आपको प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करना हो क्लास की बॉडी के बाहर, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फ्रेंड फंक्शन है, तो फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ,
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन बनाया। देखो कमेंट हटा दिया। फ्रेंड फंक्शन बनाने का तरीका, सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड, फिर वॉइड मतलब रिटर्न टाइप जो भी रखना था मैंने इसका वॉइड रख लिया। उसके बाद फंक्शन का नाम, जिस भी नाम से आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पर दोस्त फंक्शन रख लिया। और ब्रैकेट में आपको उस क्लास का नाम देना है जिस क्लास के अंदर आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो डेमो क्लास के अंदर बनाना था मुझे, क्योंकि मुझे डेमो क्लास के इस प्राइवेट फंक्शन यानी टेस्ट को एक्सेस करना है क्लास की बॉडी के बाहर, इसलिए मैंने यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है। और ये फ्रेंड फंक्शन जो है डेमो क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। क्लास की बॉडी देखो यहाँ पर बंद हो रही है। अब ये जो मैंने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ये तो केवल डिक्लेयर करा है, डिफाइन थोड़ी करा है। मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि इसको करना क्या है, क्यों बनाया गया है इसको, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कमेंट हटा देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो डिफाइन कैसे करते हैं, आपने जो भी रिटर्न टाइप यहाँ पर लगाया हुआ था वही आपको दोबारा लगाना है, तो void ही था। उसके बाद जो भी आपके फ्रेंड फंक्शन का नाम था वो एज इट इज़ आएगा। इसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया x। अब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट x क्यों बनाया, क्योंकि हमें डेमो क्लास का ही प्राइवेट फंक्शन एक्सेस करना है ना, इसलिए। तो डेमो क्लास का x हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करी, और बॉडी में हमने बोला सिंपल, ये जो ऑब्जेक्ट है डेमो क्लास का, जब यह फंक्शन चले तो डेमो क्लास का जो एक्स ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट को कॉल कर ले। अब जो हमने दोस्त फंक्शन फ्रेंड फंक्शन बनाया ना, ये कैसे कॉल कर पाएगा इस टेस्ट को, ये ऐसे कॉल कर पाएगा, फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्स डॉट टेस्ट लिखने पर ये इसके प्राइवेट मेंबर फंक्शन यानी टेस्ट को एक्सेस कर लेगा। कौन, ये एक्स, और कब, जब इस दोस्त फंक्शन यानी फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो नीचे से यूज़ किया हुआ है, देखना भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। तो इसको तो हटा देते हैं हम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया। अब फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर तो नहीं है ना, तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ तो कॉल नहीं करेंगे, बात तो मैं आपको बता चुका था, उसे तो डायरेक्ट कॉल करना होता है। तो डायरेक्ट कैसे कॉल, बस फंक्शन का नाम लिख दो, जो भी आपने फ्रेंड फंक्शन बनाया, दोस्त फंक्शन नाम रखा था हमने, ये लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने ओबीजे लिखा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने ओबीजे क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट इसमें पास करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये समझ लिया जाएगा कि इसके अंदर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया गया है, उस क्लास के अंदर क्या कोई फ्रेंड फंक्शन है, अगर है तो उसे चला दिया जाएगा। तो देखो इस क्लास के अंदर ये रहा फ्रेंड फंक्शन, और इसे चलाने के लिए इसकी डेफिनेशन में जाएगा, तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, और डेफिनेशन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट बने डेमो क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट से टेस्ट को कॉल कर लिया जाए, और जैसी टेस्ट कॉल होगा तो एंटर टू नंबर ये लिखा हुआ आएगा, हम दो नंबर एंटर करेंगे, वो ए और बी में चले जाएंगे, और उसके बाद हमने उसे उन नंबर को टोटल करके प्रिंट कर लिया, सी आउट के सामने ऐसा लिखा तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्लास की बॉडी के बाहर प्राइवेट फंक्शन को, टेस्ट प्राइवेट फंक्शन है, तो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाकर कर लिया। तो आपको समझ में आया कि फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से आप क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टेड टाइप के भी कर सकते हैं, नॉट ओनली प्राइवेट, आप किसी भी टाइप के मेंबर को फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ उस प्रोग्राम को। मैंने सेव किया और एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ। तो देखो पहले तो एरर आ रही थी, लेकिन देखिए अब कोई एरर नहीं आई है। पहले तो हमने डायरेक्ट एक्सेस किया था इसलिए एरर आई थी, अब हमने फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से प्राइवेट फंक्शन यानी टेस्ट को एक्सेस किया है, कोई एरर नहीं आई, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन तो कर सकता है इस काम को। तो एंटर टू नंबर हमसे बोल रहा है, हम 2 and 5 एंटर कर देते हैं, तो देखो 7 यहाँ पर आ गया है, ठीक है, टोटल आ गया है, क्योंकि हमने ऐसे यहाँ पर प्रिंट नहीं करा। देखो अगर ऐसा प्रिंट कर लेते ना यहाँ पर टोटल इज़, तो फिर वो लिखा हुआ आ जाता, वो मैंने आपको बता ही रखा है, वो सब आप कर ही सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको फ्रेंड फंक्शन। मैंने एक एग्जांपल और बनाया हुआ है फ्रेंड फंक्शन का, एग्जांपल नंबर 3 है, और इसके अंदर देखो मैंने फ्रेंड फंक्शन दो अलग अलग क्लास में डिक्लेयर किया। मतलब एक फंक्शन को आप दो क्लास के अंदर फ्रेंड बना सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इन सब का यूज़ कहाँ करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप आगे डेवलपमेंट वगैरह करेंगे तब आपको पता लगेगा इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में। तो जो फ्रेंड फंक्शन है उसे आप एक से ज़्यादा क्लास के अंदर फ्रेंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने दो क्लास बनाई। अब देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक एक्स वाई जेड क्लास बनाई है, इसको मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है, क्यों करा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें, हमने क्लास बनाई है एबीसी, इसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है ए, ठीक है। एक फ्रेंड फंक्शन हमने बनाया फन नाम का, देखो इस बार हमने दोस्त फंक्शन नहीं रखा, इस बार नाम रख लिया है फन, ठीक है। तो
तो फंक्शन का नाम है जो कि प्राइवेट है वो है फन, और इस फन नाम के फंक्शन को हमने एबीसी क्लास का भी फ्रेंड बनाया और एक्स वाई जेड क्लास का भी फ्रेंड बनाया। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक फ्रेंड फंक्शन को आप दो क्लास के अंदर फ्रेंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर एबीसी क्लास जिसके अंदर ये पहले डिक्लेयर किया गया उसका तो फ्रेंड है ही, एक एक्स वाई जेड क्लास और नीचे उसका भी ये फ्रेंड है। तो यहाँ पर हमने एबीसी क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो एक्स वाई जेड क्लास, ये रही एक्स वाई जेड क्लास, इसकी बॉडी स्टार्ट करी। एक्स वाई जेड क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है बी, और इसके अंदर भी हमने फ्रेंड फंक्शन वही जो हमने फन बनाया था ना उसको एज ए टेस्ट देखिए डिक्लेयर किया है। यानी ये जो फन फंक्शन है ना दोनों क्लास में है और ये दोनों क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, ऐसे लिखने से आप एक फ्रेंड फंक्शन को एक से ज़्यादा क्लासेस के अंदर फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, कोमा लगाकर आप एक से ज़्यादा क्लासेस के नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया आपको, फन फंक्शन जो कि फ्रेंड फंक्शन है इसे हमने एक्स वाई जेड क्लास में भी फ्रेंड बनाया हुआ है और ए बी सी क्लास में भी फ्रेंड बनाया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है ना इसको हटा दूँ तो एरर आती है। एरर क्यों आती है, क्योंकि जब ये कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा ना तो वो उसको ये एक्स वाई जेड क्लास नहीं मिल पाएगी। तो जब आपके केस में भी अगर एरर आ रही हो तो आप ऐसे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऊपर कर लेना, फिर एरर नहीं आएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना हटाकर, अगर एरर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, एरर आती है तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर लेना। इसके बाद हमने यहाँ पर देखो बॉडी क्लोज कर रखी है, एक्स वाई जेड की नीचे आ जाते हैं। अब देखो जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया ना फन, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, मतलब उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये जो फन फंक्शन है जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है, इसे ए बी सी क्लास में भी फ्रेंड बनाया गया है और उसे एक्स वाई जेड क्लास में भी फ्रेंड बनाया गया है। तो दोनों क्लास के हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले तो हम एक ही क्लास का कर रहे थे क्योंकि हम एक ही क्लास में फ्रेंड बना रहे थे, अब हमने दो क्लास में फ्रेंड बना रखा है इसको। तो यहाँ पर ए बी सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट टी वन बना लिया और एक एक्स वाई जेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया टी टू। ठीक है, इसकी बॉडी स्टार्ट करी टी वन से। टी वन किसका है, ए बी सी क्लास का। तो टी वन से हमने ए को एक्सेस करा, तो जो ए है वो ए बी सी क्लास में है और ए बी सी क्लास का ऑब्जेक्ट है टी वन। तो ए बी सी क्लास के ए के अंदर यानी यहाँ पर क्या भेज दिया जाएगा, टू, तो ए के अंदर टू आ जाएगा। अब टी टू किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड क्लास का, तो वो बी के अंदर थ्री पास कर देगा, तो एक्स वाई जेड क्लास के बी के अंदर थ्री आ जाएगा। देखो दो अलग अलग क्लासेज हैं, माइंड में रखिए इस बात को, दो अलग अलग क्लासेज हैं। एक क्लास के अंदर ए प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, एक एक्स वाई जेड क्लासेज के अंदर बी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है। ठीक है, तो ए के अंदर टू चला गया और बी के अंदर थ्री चला गया, दो अलग अलग क्लासेज हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, सी आउट के सामने ऐसे लिखा टी वन डॉट ए और टी टू डॉट बी, लेकिन बीच में प्लस लगा दिया। इससे ये होगा कि एक क्लास जो कि ए बी सी है उस क्लास का ए एक्सेस कर लिया जाएगा। पहले तो उसमें टू पास कर दिया गया, फिर उस टू को हमने दूसरी क्लास का जो बी है जिसमें थ्री है उसके साथ ऐड कर दिया, तो टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फाइव, और सी आउट के सामने लिखा होने की वजह से प्रिंट भी हो जाएगा फाइव। और ये काम कैसे हो पाया, ये काम हो पाया फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। अब देखो हमने फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से कर क्या लिया है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। हमने दो अलग अलग क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करा है फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से और उनके डाटा को यूज़ कर लिया है। तो ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब हम आगे डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो हम एक से ज़्यादा क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। बस आपको फ्रेंड फंक्शन को एक से ज़्यादा क्लास के अंदर एज ए फ्रेंड डिक्लेयर करना है। तो किया हमने, और उसके बाद हमने दोनों अलग अलग क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया, उनके अंदर डेटा पास किया और देखो उन्हें यूज़ भी कर लिया। ठीक है, अब इसको चलाना कैसे फ्रेंड फंक्शन को, तो मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में आने के बाद हमने ए बी सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट वन बनाया, एक एक्स वाई जेड क्लास का ऑब्जेक्ट टू बनाया। अब पहले तो हम यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट जब हम फंक्शन को चला रहे थे, फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उस समय आर्ग्यूमेंट के रूप में केवल एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, लेकिन इस बार हमें दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। क्यों करने, क्योंकि ये जो फन नाम का फ्रेंड फंक्शन है ये दोनों क्लास में फ्रेंड है, ए बी सी में भी है और एक्स वाई जेड में भी है। तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट हमें इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो हमने फन को कॉल करा और बता दिया, ठीक है, तो जैसे ही फ्रेंड फंक्शन चलेगा तो ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, फाइव। चलो मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखो यहाँ पर आउटपुट फाइव आ गया। ठीक है, और अगर ये फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाऊँ मैं
और क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँ दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को, तो एरर आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सिक्योरिटी रीजन से दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रेंड फंक्शन बनाकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही होता है फ्रेंड कीवर्ड, जिसकी हेल्प से आप फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं, वह फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। फ्रेंड क्लास वाला वीडियो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।